हमको इस बात का इजाजत देता है कि बेबाकी से हम अपनी बात कह सकें, और उनके ऊपर संविधान का ये प्रावधान है, ये जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि ये उस बातचीत को शांतिपूर्वक कंडक्ट करवा रहे हैं। इसीलिए ये बार बार कोशिश करते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। अगर संविधान बदल दिया जाएगा और शाह जी का कहा हुआ ही कानून होगा तो ध्रुव सक्सेना को मध्य प्रदेश पुलिस पकड़ करके जेल में नहीं डालती। ध्रुव सक्सेना को मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ करके इसीलिए जेल में डाला क्योंकि वो कानून से बंधे हुए हैं, और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। कोई नई बात नहीं है, यही करते रहे हैं। पहले अंग्रेजों की जासूसी करते थे, आज पाकिस्तान की जासूसी करते हैं। और बहुत ही चालाकी से इन्होंने हमारे प्रतीकों, निशानों, चिन्हों, संस्कृति, इतिहास, विरासत को कब्जाने की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं हमारे यहां कुत्ते को घी नहीं पचता। कहते हैं कि कुत्ते को अगर घी की रोटी खिला दीजिए तो उसका सारा बाल निकल जाता है और उसका असली रंग, चमड़े का असली रंग सामने आ जाता है। सत्ता में आए हैं, बैठे हैं, अपना चाल चरित्र दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। आइए आपसे बहस करते हैं कि कौन देश को तोड़ना चाहते हैं। भारत का संविधान, उसकी प्रस्तावना और उसका प्रथम वाक्य क्या कहता है, सबको याद होगा, हो सकता है कि इनको ना याद हो। प्रथम वाक्य है अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया और हिंदी में हम भारत के लोग। कहां संविधान कहता है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? संविधान कहता है, संविधान एक बार भी बोल रहा है कि इस देश के मुसलमानों को डरा करके भीड़ द्वारा उसकी हत्या करवा करके इसी देश में उसको द्वयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा जाए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए। संविधान कहता है क्या? कौन देश को तोड़ रहा है? कौन इस देश के संविधान को नहीं मानता है? कौन को किसको इस देश की परंपरा और इतिहास और विरासत पर भरोसा नहीं? ये बहस करने वाली बात है और ये बहस होने नहीं देना चाहते। अगर बहस होगी, बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी और पूछा जाएगा कि आरएसएस का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो फांसी पर चढ़ा है उस सन्नाम पर। अजय कानू साहब के साथ, कानू साहब के साथ आया था, उनके पिताजी पेरी दाजी यहां बैठी हुई है, होमी दाजी, अजय लालू साहब, उन्होंने इंदौर शहर को बनाने में अपनी कुर्बानी दी है, खून पसीना बहाया है इस शहर को बनाने के लिए। और जानते हैं चौराहा किसके नाम पर है? वीर सावरकर के नाम पर। किस बात के वीर सावरकर हैं? वीर कौन होता है आप ही बताइए। जो अंग्रेजों से माफी मांगता है वो वीर होता है, जो हंसते हंसते फांसी पर झूल जाता है वो वीर होता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहस करेंगे इतिहास पर, बहस करेंगे संस्कृति पर, बहस करेंगे आपके हिंदू राष्ट्र के विचारों पर, बहस करेंगे। आपको मालूम है हिंदू धर्म क्या है? कितना जानते हैं आप अपने ही प्रतीकों को? भगवान लेकर के आए थे आज, उनको पता है भगवान का इतिहास क्या है? इस देश में किन लोगों ने भगवान रंग को उठाया है और भगवान रंग किसका प्रतीक है? हमारे तिरंगे में भी एक रंग है जो भगवा है। भगवा रंग वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। और माफी मांगने वाला वीर नहीं हो सकता है, और उसके जो विरासत को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं वो तो कतई वीर नहीं हो सकते हैं। कहते हैं बापई पूत पड़ापई धोरा नहीं कुछ होता थोरबो थोरा, जिसके पुरखे ही वीर नहीं हो उनके बच्चे क्या वीर होंगे। है हिम्मत, है हिम्मत, है साहस, करोगे बहस। कहां बहस करना चाहते हो? तुम्हारे विचारों पर बहस करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तुमसे। दोगे हमारे सवालों का जवाब? क्या जानते हो तुम हिंदू धर्म को? भगवा रंग इस देश में संत तुकाराम की परंपरा का रंग है,
और ये इंदौर है जिसको मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है, मराठों का राज रहा है यहाँ पे। संभाजी महाराज का रंग भगवा था, शिवाजी महाराज का रंग भगवा था, और उस भगवे रंग को अगर आप दूसरे धर्मों में भी ढूंढेंगे तो सत्य तो अहिंसा का प्रतीक बुद्धिज्म का रंग भगवा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। वैष्णवों का रंग भगवा है, और वैष्णव के बारे में क्या कहते हैं, वैष्णव जनते तेने कहिए प्रिय बड़ाई जाने, जो भगवा रंग लेकर के गर्भवती महिलाओं के बच्चे का पेट चीर कर उसके बच्चे को तलवार से काट देते हैं, वो कैसे वैष्णव हैं, और ये उनकी कौन सी अहिंसा है, ये कौन सा भगवा रंग है, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आपने इस देश के इतिहास को, इसकी विरासत को, इसकी संस्कृति को ना सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम किया। आज लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हो गया है हिंदुस्तान से। मैं जेएनयू का विद्यार्थी हूं, 147 देश के विद्यार्थी हमारे यहां पढ़ते हैं, इनके लिए वो देशद्रोही है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया है इस साल का। और यूनिवर्सिटी में सवाल पूछा जा रहा है कि इस देश को हुआ क्या है। पूरी दुनिया में गाय घास खाती है, यहां गाय के नाम पे लोग इंसान खा रहे हैं। माता क्या होती है, माता क्या जानते हैं तुम माता के बारे में। यशोदा को मालूम था कि कृष्ण उससे बेटा नहीं है, लेकिन वो देवकी से ज्यादा लाल प्यार यशोदा कृष्ण को करती है। और तुम माता का नाम लेकर के किसी के पुत्र को मार दे रहे हो, जिसके पुत्र को तुम मार रहे हो उसकी माता नहीं है क्या, और क्या वो भारत माता नहीं है, ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या लजीत की मां भारत माता नहीं है, क्या रोहित बेमुरा की मां भारत माता नहीं है, क्या जुनैद और पहलू की मां भारत माता नहीं है, और मंदसौर में जिन किसान के बच्चों को मार दिया गया उनकी मां भारत माता नहीं है। हिंसा प्रतीकों के नाम पे, भगवा रंग के नाम पे, गाय के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, क्या जानते हो हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का नाम लेते हो तुम राम का, तुमने ठीक से राम को भी नहीं पढ़ा है। तुम राजपाट के लिए कुछ भी कुकर्म करने को तैयार हो, और भगवान राम ने अपने भाई के लिए, सौतेले भाई के लिए राजपाट छोड़ करके 14 साल के वनवास में चले। राजपाट हासिल करने के लिए राम का नाम लेना, ये राम को बदनाम करने वाली बात है, और ये राम के हैं भी नहीं, जो राथू राम के होंगे वो राम के क्या है, जो राथू राम के होंगे वो भगवान राम के हो ही नहीं। और इसीलिए आज जब इनको अपना इतिहास, अपनी पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है, तो ये राष्ट्र का नाम लेने लगे हैं, और ये देशभक्ति की बात करने लगे हैं। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि सुन लो, भक्ति तो हम भगवान की करते हैं, भक्ति माँ बाप की करते हैं, भक्ति जो हमको ज्ञान देते हैं उस ज्ञानदाता की करते हैं, और भक्ति जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं उस अन्नदाता को करते हैं, भक्ति हमको जो कन्या देती है उस कन्यादाता को करते हैं, यह भक्ति की परंपरा है। तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, मोदी जी की, कौन से अवतार हैं, कौन से अवतार हैं, और क्यों उनकी भक्ति कर रहे हैं। देश जो है वो प्यार करने की चीज है, और प्यार और भक्ति में एक बात समझ लीजिएगा, भक्ति में हमेशा ऊंच नीच होती है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, देश और देशवासी के बीच में ऊंच नीच का संबंध नहीं होता है, बराबरी का संबंध होता है। इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा देशभक्त की बजाय देश प्रेमी कहना पसंद करता हूं, क्योंकि प्रेम हमेशा बराबरी की बुनियाद पर खड़ी होती है, और हमारी जो देश की संकल्पना है उसमें यही बात कहा गया है कि देश देश के लोगों से बनता है। और जब देशभक्ति का विमर्श इस देश में है, और जब हम इस बात को संविधान से मानते हैं कि देश देश के लोगों से बनता है,
तो जब देश के लोग मर रहे हैं, ठीक उसी वक्त राष्ट्रवाद का बहस क्यों खड़ा किया गया? क्योंकि क्योंकि ना इनको देश में भरोसा है, ना देश के लोगों में भरोसा है, इनको सिर्फ और सिर्फ पीएमओ की गद्दी में भरोसा है। इसीलिए इस पूरे बहस को, विमर्श को भड़काने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल पूछा जाए इनसे किसी भी मसले को लेकर, अभी पिछले एक डेढ़ सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें खुले विमर्श की जरूरत है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं खुद से। मुझे देशद्रोही कहा गया, और इत्तेफाक देखिए इस देश का, कि इस देश का जो कॉमेडियन है वो जर्नलिस्ट बन गया है, और जो जर्नलिस्ट है वो कॉमेडी कर रहे हैं। आज के अखबार के न्यूज को मैं पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं मोदी जी की तरह रिलायंस को पॉपुलर नहीं करना चाहता। उस अखबार में लिखा कि कन्हैया कुमार जो अफजल गुरु का बरसी मना करके प्रसिद्ध हो गया। अरे भाई, हम तो नहीं मनाए अफजल की बरसी, तुम तो हर साल गोडसे की बरसी मनाते हो, फिर भी क्यों नहीं प्रसिद्ध हो? इस बात तुम मानते हो कि अफजल गुरु जो है ज्यादा ताकतवर आतंकवादी है गोडसे की तुलना में? ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है कि अखबार लोगों को सूचना देने के लिए नहीं है, वो अखबार जिसमें ये न्यूज छपा है वो लोगों को गुमराह करने के लिए है। और ये गुमराह क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उनसे मैं पूछना चाहता हूं। क्या आप वहां मौजूद थे जब मैंने अफजल की बरसी मनाई? और अगर आप मौजूद थे वहां, वो पत्रकार साहब, तो उसी वक्त मुझे पकड़ करके पुलिस को क्यों नहीं हवाले किया? और पुलिस तो पकड़ करके ले गई गृह मंत्री जी के ट्वीट करने के बाद। आजकल देश को ट्विटर से बदल रहा है ना, तो जब पुलिस पकड़ करके ले गई, और पुलिस ने मेरे बाप का कसम नहीं खाया है, इस देश के संविधान का कसम खाया है, और मैं रिश्तेदार भी नहीं हूं, तो पुलिस ने मुझे क्यों छोड़ दिया? कोर्ट ने ऐसे तो जमानत नहीं दी होगी, यहां कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, कोई भी पुलिस वाला मिले तो उसको पूछिएगा कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है। माथुर साहब बहुत बड़े वकील हैं, कि जमानत ऐसे नहीं दी जाती है, पुलिस से पूछा जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या चार्जेज है, फिर सबूत मांगा जाता है, और पुलिस जब सबूत नहीं देती है तब जमानत दिया जाता है। और एक बात और जान लीजिए, मुझे जिस एक्ट में बंद किया गया है, जिस प्रोविजन में, वो नॉन अवेलेबल है, गैर जमानती है, जिसमें जमानत नहीं दिया जाता है। अब बताइए, हम जमानत लेकर के रोज मोदी जी का मुंह चिहा रहे हैं, अगर इनके पास सबूत होता कि मुझे वापस जेल में नहीं डाल देते, अगर मैंने सच में बरसी मनाई होती तो ये मुझे छोड़ देते। अरे बेकसूर जुनैद को मार देते हैं इनके लोग, कन्हैया कुमार को कैसे छोड़ देते हैं? असल बात क्या है? असल बात यह है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस के पास कुछ है ही नहीं, और इतना महत्वपूर्ण मसला है जिस पर इतनी एनर्जी खर्च की जा रही है, मैंने 500 रुपए देकर के इनको लाया गया होगा प्रोटेस्ट करने के लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात, इतनी एनर्जी, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं किसी की आवाज को दबाने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो पुलिस